ये क्या है? हमारे बेटे की मेहनत की पहली कमाई। लेकिन इसे यशु ने मगन जी को वापस लौटाने के लिए कहा है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि यशु मगन जी की मदद करे। क्या मैं जान सकती हूं कि यशु को रोकने के पीछे का कारण क्या है? मैं जानता हूं मेरी, परमपिता खुद यशु का मार्गदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वो मेरा भी तो बेटा है। मैं उसे एक ऐसी पीड़ा से बचाकर रखना चाहता हूं जिसे मैंने खुद भोगा है। मैं समझी नहीं। यीशु ने आज तक कई चुनौतियों का सामना किया, ना केवल इंसानों को मौत के मुंह से बचाया बल्कि पशु और पक्षियों की भी रक्षा की। भयानक रोग से ग्रस्त लोगों को एक नया जीवन दान दिया है, लेकिन एक ऐसी चीज है जिससे वो आज भी बचा हुआ है। कौन सी चीज? बेईमानी। जब एक सच्चे मन वाले ईमानदार व्यक्ति का भरोसा टूटता है तो बहुत पीड़ा होती है, और व्यापार में अच्छे लोगों की संख्या बहुत कम है। कदम कदम पर धूर्त और चालाक और चतुर लोगों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण इंसानियत पर से भरोसा टूटने लगता है। और मेरा यीशु मासूम है और सच्चा है। मैं नहीं चाहता कि यीशु का इंसानियत पर से भरोसा टूटे और उसको भी इस पीड़ा से गुजरना पड़े। और मैं खुद व्यापार में बहुत बुरा हूं। अगर अच्छा होता तो मैं भी अमीर होता। मेरे आप यीशु की ताकत है, हिम्मत है, उसका वो आधार है जिसकी जरूरत यीशु को कदम कदम पर होगी। यीशु इस धरती पर अपनी यात्रा शुरू कर चुका है। उसकी इस यात्रा में हमें उसका सहभागी बनना है। अगर वो गिरता है तो उसे उठाना है, अगर वो कमजोर पड़ता है तो उसकी हिम्मत बढ़ानी है। यीशु हमसे सीखेगा और बहुत कुछ हम उससे सीखेंगे। लेकिन मेरी, जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है उन लोगों ने बेईमानी से भले ही बहुत सारा धन कमा लिया हो, लेकिन आपकी ईमानदारी ने आपको परमेश्वर का बेटा दिया है। तो आप ही बताइए, ज्यादा धनवान कौन हुआ, वो लोग या आप? आपका अपना बेटा यीशु बहुत दुखी है। आप उसके साथ नहीं है, इसलिए अपने आप को वो अकेला महसूस कर रहा है। हम अपने यीशु को निराश होते हुए देख सकते हैं, नहीं ना? कहा था कि ये सिक्के मकर चाचा को वापस लौटा दे, फिर ये इतने सुबह हथौड़ी की आवाज। पिताजी, क्या आप रात भर बैठकर कार्यशाला का काम कर रहे थे? तो क्या पिताजी रात भर सोए नहीं? कैसे सोता बेटा, मुझे ये पहिए वाली गाड़ी जो बनानी थी। ये पहिए वाली गाड़ी किसके लिए ताऊ जी? एक बहुत ही खास ग्राहक है जिसे आज ही इस गाड़ी की जरूरत थी। बस
उसे मैं निराश नहीं करना चाहता था, तो रात भर जाग कर मैंने ये पहिए वाली गाड़ी बनाई। लेकिन एक खास ग्राहक है कौन पिताजी? तुम बेटा, मगन जी के व्यापार के साथी तुम येशु। तुम्हारे लिए बनाई है मैंने ये पहिए वाली गाड़ी। बेटा, मैंने रात को तुम लोगों की योजना को सुना और मुझे पता चला कि इतनी सारी गुड़ की ढेलियां हैं, तो आप लोग कैसे ले जाओगे, कहां रखोगे और कैसे बेचोगे? उसी के लिए रात भर जागकर मैंने बनाई है ये पहिए वाली गाड़ी। आपको सब पता है माँ, इसलिए तो आपने मगन चाचा के पैसे नहीं लौटाए, है ना? येशु, मेले में खूब मेहनत से काम करना, और अगर तुम्हें लगे कि कुछ चीजें तुम्हारी इच्छा अनुसार नहीं हो रही है तो घबराना मत, बस याद रखना मैं और तुम्हारी माँ तुम पर पूरा भरोसा करते हैं। तुम जरूर कामयाब होगे येशु। ये भाई गुड़ ले लेना, बहुत मीठी है, बहुत बहुत ही मीठी गुड़ है, लीजिए ना। मैं जानता हूँ कि आप उनसे नाराज हैं, लेकिन कल की बात को भूल जाइए। अब मैं मेला खत्म होने तक आपके साथ ही आपकी मदद के लिए यहाँ रहूंगा। मेरे ऊपर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपना काम खुद ही कर लूंगा। तुम जाओ अपने घर। दुनिया में ऐसे ही लोग होते हैं, झूठे वादे करते हैं उसके बाद में कदम पीछे खींच लेते हैं अपना। मैं दोबारा तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, जाओ यहाँ से। मैंने आपका दिल दुखाया, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए मगन चाचा, लेकिन अब मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। और मैंने सोच भी लिया है कि आपकी बिक्री बढ़ाई कैसे जा सकती है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे भाई बहन और मेरे दोस्त गुड़ की बेलियाँ बेचेंगे, तब तक मैं और भी गुड़ तैयार करूँगा, वो बेचते जाएंगे, मैं तैयार करता जाऊँगा। इस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा सिक्के कमाकर इस प्रतियोगिता को जीत पाएंगे। लेकिन ये सब तुम करोगे कैसे? आप चिंता मत कीजिए, हमारी टोली बहुत मजबूत है चाचा जी, हम सब मिलकर सब कुछ अच्छे से कर लेंगे। लेकिन इतने सारे गुड़ बनाने के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए, सिक्के चाहिए, वो कहाँ से आएंगे? कल मेरे व्यापार के साथी ने मुझे मेरा हिस्सा दिया था, उसी का इस्तेमाल करके मैंने गुड़ बनाने का माल खरीद लिया है। तुम्हारी जितनी उम्र है इससे ज्यादा दुनिया मैं देख चुका हूँ, उससे ज्यादा व्यापार किया है मैंने, लेकिन तुम्हारे जैसा बच्चा मैंने नहीं देखा है। तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया या कर रहे हो, मैं इसका शुक्रिया कैसे अदा करूंगा मेरी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन तुम ये सब कर क्यों रहे? क्योंकि मैं आपके उस विचार को बदलना चाहता हूँ कि हर चीज की कीमत होती है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनकी कीमत कभी नहीं लगाई जा सकती।
आज व्यापारियों की वार्षिक प्रतियोगिता का दूसरा दिन है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, पहले पायदान पर विनीत जी का नाम है और आखिरी पायदान पर मगन जी का। पूरे दिन की बिक्री के बाद शाम को फिर से इस सूची में संशोधन किया जाएगा। जिसकी जितनी बिक्री होगी उसका नाम उतना ही ऊपर होगा। माँ कहती है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, इसलिए हमें सारी चिंता छोड़कर बस मन लगाकर अपना काम करना चाहिए। मगन जी की बिक्री बढ़ती जा रही है। सुबह तक आखिरी पायदान पर थे और अब देखो तीसरे पायदान पर हैं। इसी गति से बढ़ते रहे ना तो हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर देंगे। ये लीजिए आपकी आज की कमाई। विश्वास नहीं हो रहा है, ये सब सच है या सपना? सच है मगन चाचा जी, वो देखिए आपका नाम अब तीसरे स्थान पर है। अब आप अपनी जीत से सिर्फ दो पायदान पीछे हैं। अगर आज की तरह कर भी हम गुड़ की बिक्री कर पाए तो आपको जीतने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। जाओ आराम करो, जाओ जी 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 जी। क्या हुआ, रुक गए, कुछ भूल गए क्या? हाँ, ये बताना भूल क्या था कि कल जब प्रतियोगिता के परिणाम के समय जब आपका बेटा आएगा तो उसे आपकी जीत पर खुशी भी होगी और गर्व भी। जाओ आराम करो। मेले के सारे व्यापारियों को तुरंत बुला कर लाओ, इस यीशु के बारे में बहुत जरूरी बात करनी है। अगर कल भी उस यीशु ने मगन की मदद की तो पासा पलटते देर नहीं लगेगी। लेकिन हम उसे रोकेंगे कैसे? करना क्या है मैंने सब सोच लिया है। इतनी दौड़ भाग करने की क्या जरूरत थी याकूब? यीशु ने कहा था ना कि भेड़िया बेचने के लिए जान लगा देंगे, इसलिए तुम लोग घर जाओ, मैं याकूब को उसके घर छोड़ के आता हूँ। ठीक है यीशु। ज्यादा थकान लगी तो कल भी आराम कर लेना।
चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगा। मगन चाचा के साथ तुम हो यशु, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि जिसके साथ तुम हो ना उसके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। चले हाँ हाँ चलो। यीशु को पता नहीं क्या समझते हैं सब, जैसे यीशु ना हो गया वो ईश्वर हो गया। कल देखना जब यही सब उसे धुतकारेंगे। पहिए वाली गाड़ी बनाने के लिए धन्यवाद ताऊ जी, उसकी वजह से हम खूब सारी गुड़ की भेलियां बेच पाए। बड़े भैया सही कह रहे हैं, बहुत सारी गुड़ की भेलियां बेची हमने। तो बच्चों ये तो बताओ कि कितना मुनाफा कमाया तुम लोगों ने। व्यापार नफा नुकसान ये सब लड़कों के करने और समझने वाली बातें होती है ताई जी, अब नहीं समझेगी। अच्छा बच्चों, आज तुम सब ने व्यापारी मेले में प्रतियोगिता में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया, बहुत अच्छा। लेकिन तुमको पता है संसार की सर्वश्रेष्ठ व्यापारी एक माँ होती है। माँ? माँ और व्यापार? बड़े भैया सही कह रहे हैं, माँ को व्यापार की समझ कैसे हो सकती है। अब इसका उदाहरण तुम लोगों के सामने ही है, ये खाना जो आप लोग खा रहे हो ये एक माँ ने बनाया है, और इसमें भी गणित है व्यापार है। खाने में व्यापार? हाँ बेटा, अब देखो घर में कितने लोग हैं, उनके लिए कितना खाना बनना चाहिए ताकि सबका पेट भी भर जाए और कुछ बर्बाद भी ना हो, इन सब चीजों का हिसाब एक माँ करती है। कोई त्योहार हो, घर का खर्च हो, या किसी का जन्मदिन या कोई उत्सव मनाना हो, इन सब का हिसाब रहता है ना एक माँ के पास। तो हुई ना माँ इस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ व्यापारी। और आशय बेटा, तुम्हारे बड़े भैया जेम्स अब सचमुच में बड़े हो गए, अब उन्हें इस बात का भी पता चल गया है कि ऐसा कोई काम नहीं है जो केवल लड़के कर सकते हैं और लड़कियां नहीं। क्यों जेम्स? जी ताऊ जी अब सही कह रहे हैं, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और आपकी बात अच्छी तरह से समझ सकता हूँ कि लड़कियां वो सब कुछ कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं। यीशु? बेटा मैं तो कितना चिंतित था कि तुम कहां रह गए और तुम यहां अकेले बैठे हो। सब कुछ ठीक तो है ना बेटा? पिताजी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे कैसा लग रहा है, मेरे पेट में जैसे कुछ गोल गोल सा घूम रहा, जैसे ही मैं कल की प्रतियोगिता के बारे में सोचता हूँ उतना ज्यादा मेरे पेट में कुछ अजीब सी हलचल होने लगती है। बेचैनी, कल की प्रतियोगिता के परिणाम की बेचैनी। देखो कभी कभी लगता है कि कुछ चीजें हमारी इच्छा अनुसार होनी चाहिए, मगर साथ में ये डर भी बना रहता है कि पता नहीं चीजें हमारी इच्छा अनुसार होंगी भी या नहीं। तो ऐसे में इस तरह की बेचैनी होना बड़ी स्वाभाविक सी बात है। पिताजी मैं पहले सोचा था कि कुछ होना ये ना होना परमपिता परमेश्वर की मर्जी है, मगर इस बार बात मेरी नहीं मक्खन चाचा की है। मैं चाहता हूँ कि कल की प्रतियोगिता मक्खन चाचा जीते, लेकिन अगर कल की प्रतियोगिता मक्खन चाचा नहीं जीत पाए तो क्या होगा? यीशु, ये समय ईश्वर पर सबसे ज्यादा विश्वास करने का है ना। फिर आप बिल्कुल सही कह रहे पिताजी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, परमपिता परमेश्वर वही करेंगे जो सबके लिए अच्छा होगा। हाँ बेटा चले, तुम्हारी माँ खाने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रही है, आ जाओ। अरे मैं आपसे कितने सारे सवाल पूछता हूँ पिताजी, और आपके पास मेरे सारे सवालों के एकदम सही जवाब रहते हैं। मेरे पिताजी इस पूरे संसार में सबसे अच्छे पिता हैं। आप यीशु की ताकत है, हिम्मत है, उसका वो आधार है जिसकी जरूरत यीशु को कदम कदम पर होगी।
अगर वो गिरता है तो उसे उठाना है, अगर वो कमजोर पड़ता है तो उसकी हिम्मत बढ़ानी है। यीशु हमसे सीखेगा और बहुत कुछ हम उससे सीखेंगे। बेटा कल तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है, अभी चलकर जल्दी से खाना खाकर जल्दी से सो जाओ। कल शाम को मैं और तुम्हारी माँ मेले में आएंगे, हमारे यीशु को जीतते हुए देखना है। सचमुच कल का दिन बहुत बड़ा होगा पिताजी।